दुनिया देखती रह गई और तालिबान ने हथियारों के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति सहित बड़े बड़े अधिकारी और नेता अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए चले गए हैं। अफगानिस्तान में इस समय तालिबानियों ने कब्जा कर आतंक मचा रखा है। अफगानिस्तान पर आज जिन आतंकियों ने कब्जा कर लिया वो देवबंदी विचारधारा के कट्टर उर्मादी सुन्नी कवाइयों के संगठन हैं। 17वीं ईस्वी से पहले दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई राज्य नहीं था। सिकंदर का आक्रमण 328 ईसा पूर्व में उस समय हुआ जब यहाँ प्राय फारस के हकामनी शाहों का शासन था। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली शासन के अंग थे। अफगानिस्तान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में ये बौद्ध राष्ट्र बना और अब अफगानिस्तान पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का कब्जा है। 26 मई 1739 को दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर अफगानिस्तान उसे सौंप दिया था। 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अफगानिस्तान नाम का प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल 1747 से 1773 के बीच हुआ। इसके पूर्व अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यानुम्र, वीजू, पखितिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रो आदि नामों से पुकारा जाता था, जिसमें गांधार, काम्बोज, कुंभा, वर्णु, स्वास्तु आदि क्षेत्र थे। ईसा के 700 साल पूर्व तक ये स्थान आर्यों का था। इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे महाभारत और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। उसके बाद ईसा सन 7वीं सदी तक गांधार के अनेक भागों में बौद्ध धर्म काफी उन्नत रहा। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद यहाँ हिंदू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण अभियान शुरू हुआ। सैकड़ों सालों तक लड़ाइयां चली और अंत में काफिरिस्तान को छोड़कर सारे अफगानी लोग मुसलमान बन गए। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार जब हिंदू शासकों से मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटे गए माल को जब गजनी में प्रदर्शित किया गया तब पड़ोसी देशों के राजदूतों की आंखें फटी की फटी रह गई। आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारी महमूद गजनी को सत्ता और लूटपाट के अलावा इस्लाम का नशा भी सवार था, इसलिए अब युद्ध में जीते हुए क्षेत्रों के मंदिरों, शिक्षा केंद्रों और ऐतिहासिक भवनों को नष्ट करता जाता था और स्थानीय लोगों को जबरन मुसलमान बनाता जाता था। आज वो सभी अफगानी हिंदू मुसलमान हैं। वक्त का पहिया आगे घूमता गया और 1779 से 1789 के बीच सोवियत सेना और कबायली लड़ाकों के बीच एक युद्ध लड़ा गया जो कि अफगानिस्तानी गृह युद्ध था। कबायली आतंकी अफगानिस्तान की साम्यवादी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते थे, जिसे सोवियत रूस का समर्थन प्राप्त था। लेकिन इस समय अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ। तालिबान का मतलब ऐसे लोगों से है जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथियों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इसकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी हस्तक्षेप को खत्म करना है, लेकिन धीरे धीरे वो शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद बन गया। शुरू शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से आजिज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया। लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई। इसी बीच अफगानिस्तान में सोवियत का प्रभाव खत्म करने के लिए कवालियों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका पर आरोप लगते रहे। लेकिन 2001 में जब अमेरिका को पता चला कि कवायली आतंकियों के संपर्क में आ गए हैं तो तभी अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 2007 में अफगानिस्तान में नाटो की सेनाओं के सहयोग से सरकार का गठन हुआ। नाटो तालिबान से लड़ती गई और सरकार चलती गई, लेकिन नाटो सेना की वापसी करते ही तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान सरकार पर हावी हो गए और अफगानिस्तान की सरकार को खदेड़ कर इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया।